जय जगन्नाथ। आवर चैनल नेम इज हाईटेक सर्वे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेंटरिंग लेबलिंग कैसे किया जाता है। तो सेंटरिंग लेबलिंग है एक सर्वे का 60% काम है सेंटरिंग लेबलिंग। अगर सेंटरिंग लेबलिंग सही है तो सब सर्वे जो हम लोग जो भी करते हैं सब सही है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो भी करेंगे तो उससे पहले मतलब मेजरमेंट जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग करने के लिए जाते हैं उससे पहले सेंटरिंग लेबलिंग तो करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम लोग करेंगे सेंटरिंग लेबलिंग। तो सेंटरिंग लेबलिंग करने के लिए बेसिकली क्या होता है ना, एक स्टेशन पॉइंट चाहिए जो कि पहले से हम लोग को दिया जाता है। सोचिए हम लोग एक कहीं भी मेजरमेंट करने के लिए गए हैं, वहाँ पर क्या होगा ना, जो भी कंपनी के हम लोग करने के लिए जाते हैं उसी कंपनी वालों लोग क्या करते हैं ना, वो लोग दो पॉइंट देता है, एक होता है स्टेशन पॉइंट और दूसरा पॉइंट है बैक साइड पॉइंट। तो आज देखिए ये मेरा स्टेशन पॉइंट है, तो ये जो स्टेशन पॉइंट है ये स्टेशन पॉइंट के ऊपर आज हम लोग सेंटरिंग लेबलिंग करेंगे। देन उसके बाद जाके सेंटरिंग लेबलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जाके हम लोग मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे सेंटरिंग लेबलिंग किया जाता है। अच्छा, सेंटरिंग लेबलिंग करने के लिए तो क्या होता है ना, प्रोसीजर पांच प्रोसीजर होता है। पांच प्रोसीजर क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग, अप्रोक्सीमेटली लेबलिंग, डिजिटल डिजिटल। तो देखिए सेंटरिंग लेबलिंग करने के लिए पांच प्रोसीजर होता है। एक होता है अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग, देन अप्रोक्सीमेटली लेबलिंग, देन अप्रोक्सीमेटली डिजिटल लेबलिंग, देन फाइनल सेंटरिंग, फाइनल लेबलिंग। तो ये जो पांच प्रोसीजर है ये पांच प्रोसीजर के थ्रू हम लोग सेंटरिंग लेबलिंग करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग कैसे करते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्टिकल प्लोमेंट है, ये जो ऑप्टिकल प्लोमेंट, ये ऑप्टिकल प्लोमेंट के थ्रू देखने से क्या होता है ना, ग्राउंड दिखाई देता है। तो ग्राउंड में क्या होता है ना, ये जो एक पॉइंट है और ऑप्टिकल प्लोमेंट आईपीएस के थ्रू देखने के बाद क्या होता है, उसके अंदर दो सर्कल और एक पॉइंट दिखाई देता है। उसी पॉइंट को ग्राउंड में दिया हुआ है पॉइंट के साथ ऐसे ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है। तो अप्रोक्सीमेटली में क्या रहेगा, ऐसे साइड में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे साइड में रहेगा, जब फाइनल हो जाएगा उस टाइम पूरा ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो देखिए ऐसे देख के ग्राउंड को, देन उसके बाद क्या करोगे, अगर पॉइंट नहीं दिखाई देगा तो बीच मतलब कभी कभी क्या करोगे ना, ये जो पॉइंट को दिखाई देने के लिए ये जो पैर है थोड़ा ऐसे ऐसे कर देने के बाद क्या होगा, कौन साइड में पॉइंट है कौन सा साइड में पॉइंट है तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसीलिए तो ये करना पड़ता है। तो अभी मुझे दिख गया है पॉइंट, देन उसके बाद अब जो सेंटरिंग कैसे करते हैं ना, ये जो तीन लेग है ये तीन लेग में से कोई एक लेग को कॉन्स्टेंट रख के बाकी दोनों को मूव करते हैं। मूव कैसे ना, देखिए ऐसे मैं हल्का सा उठाया, ऐसे उठा के इधर लेना है तो ऐसे लो, नहीं तो राइट साइड, नहीं तो लेफ्ट साइड, ऐसे करके पॉइंट को आसपास रखना है, पॉइंट का आसपास रखना है। अच्छा, अभी मेरा अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग मैंने कर दिया, अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग कर दिया अभी, देन होगा मेरा क्या होगा ना, अप्रोक्सीमेटली लेबलिंग होगा। तो लेबलिंग कैसे होगा ना, ये जो तीन लेग है ये तीन लेग को डाउन अप डाउन करके, यहाँ पे देखिए एक बबल है, यहाँ पे देखिए एक बबल है, ये बबल जो है ये बबल को बीच में लाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल बीच में नहीं है तो इसको बीच में लाना पड़ेगा। देखिए अभी ये जो बबल है ये बबल अभी मतलब मिडिल में नहीं है तो इसको मिडिल को लाना पड़ेगा। देखिए ये जो बबल है, ये जो बबल है अभी देखिए ये जो सर्कल है सर्कल के अंदर नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली लाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। तो कैसे लाएंगे हम लोग ना, लाने के लिए ये जो तीन लेग है, ये जो तीन लेग है ये तीन लेग को डाउन अप डाउन करके हम लोग अप्रोक्सीमेटली अंदर लाएंगे। अच्छा, तो ये जो बबुल है देखिए अभी ये जो बबुल साइड में है ये इसको अंदर लाना पड़ेगा। तो लाएंगे कैसे ना, ये जो तीन लेग है, ये जो तीन लेग एक दो तीन, ये जो तीन लेग है ये तीन लेग को डाउन अप डाउन करके इसको अंदर लाना है। तो देखिए कैसे डाउन अप डाउन करेंगे ना, ये जो
इसके ऊपर पैर रख के, इसके ऊपर पैर रख के ये स्क्रू को, एडजस्टिंग स्क्रू को थोड़ा लूज करके, लेग एडजस्टिंग स्क्रू को लूज करके इसको ऐसे ऐसे डाउन अप डाउन करना है, ऐसे ऐसे डाउन अप डाउन करना है। तो डाउन अप डाउन करके बबुल को अंदर लाना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैं डाउन अप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बबुल देखिए ये अंदर नहीं आ रहा है, ऐसे 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 ये घूम रहा है, सर्कल के साइड में ऐसे घूम रहा है। तो क्या करना पड़ेगा ना, कोई ये जो बबुल है कोई भी एक लेग के ऊपर उसको कंस्टेंट करवाना पड़ेगा। तो देखिए मैं अभी क्या किया, ये जो लेग है ये लेग के ऊपर उसको कंस्टेंट किया, देन मैं क्या करूँगा इसको टाइट कर दूंगा, इसको टाइट कर दूंगा। अच्छा नेक्स्ट क्या करूँगा ना, ये जो लेग है ये लेग को फिर से जाके उसी तरह सेम तरीका, इसके ऊपर पैर रख के इसको डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने से क्या हो रहा है देखिए, अभी देखिए डाउन करने के बाद वो अंदर आया, अच्छा अप्रोक्सीमेटली अंदर आया। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऐसे रख के टाइट कर दिया। टाइट कर देने के बाद फिर से क्या करना पड़ेगा ना, अप्रोक्सीमेटली तो अंदर आ गया और थोड़ा सा हल्का सा चाहिए, तो ये जो लेग है ये लेग के थ्रू हम लोग करेंगे। तो ये लेग को थोड़ा हल्का सा ऐसे डाउन कर देने से वो अंदर आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर से करना पड़ेगा ऐसे एक एक करके। अच्छा अभी अप्रोक्सीमेटली आ गया सर्कल के अंदर, तो ये चलेगा। देन क्या हो सके ना, अभी खत्म हुआ अप्रोक्सीमेटली लेबलिंग खत्म हुआ, देन उसके बाद अप्रोक्सीमेटली डिजिटल लेबलिंग करने के लिए ये जो मशीन है, मशीन को ऑन करना पड़ेगा। ये जो ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद क्या होगा ना, एक टिल्ड पेज आएगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं एस्केप प्रेस, वंस एस्केप करने के बाद एक टिल्ड पेज आएगा जो मैनुअली बबुल का सिचुएशन अभी यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटली। तो हम लोग करेंगे अभी, तो ये जो सेकंड है मिनट है, देखिए ये -4 मिनट 36 सेकंड है और नीचे लिखा है 51 सेकंड है। ये जो सेकंड है इसको 20 सेकंड के अंदर रख के करना चाहिए। ये सब लिखा है कि जो मशीन का मैनुअल है, मैनुअल के हिसाब से ये उतना लिखा गया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हो सके कम, जैसे कि एक डिजिट, 1 2 3 ऐसे दोनों एक्सिस में। अगर दोनों एक्सिस में कभी हम लोग रख रहे हैं, अगर माइनस रख रहे हैं तो दोनों एक्सिस में रखेंगे, अगर प्लस रख रहे हैं तो दोनों एक्सिस को प्लस में रखेंगे। अच्छा तो अभी एक्स वाई दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये जो एक्स वाई है, एक्स कौन सा है ना, परपेंडिकुलर। ये जो 3 फुट स्क्रू है, 1 2 3, ये जो 3 फुट स्क्रू है, ये 3 फुट स्क्रू में से ये 2 हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। तो जब भी हम लोग ये लेबल को परफेक्ट करते हैं तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, ये जो फेस है, ये फेस को कोई भी 2 फुट स्क्रू के साथ अपने साथ पैरेलली ऐसे रख के किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, मतलब ये देखिए अभी वाई, तो ये जो 2 फुट स्क्रू हो गया वाई और एक्स, ये जो 1 वाला ये है एक्स, ये जो 1 वाला ये है एक्स, इसको घुमाने से एक्स का वैल्यू बढ़ेगा कमेगा, और इसको घुमाने से क्या होगा ना, वाई का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा। अच्छा तो इसलिए हम लोग अभी करेंगे, तो करने के लिए ऐसे हाथ करना चाहिए, ऐसे हाथ करके इसको ओनली फुट स्क्रू पकड़ के आइधर इनवर्ड नहीं तो आउटवर्ड ऐसे करके इसको करना है। देखिए मैं इनवर्ड करके अभी कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू देखिए 1 मिनट 45 3 सेकेंड है वाई में, इसको पूरा हम लोग घटाएंगे वैल्यू जितना भी कम हो सके, तो इसको घटाएंगे। देखिए अभी चल रहा है ये, अच्छा इसको माइनस हो गया, थोड़ा घटाना पड़ेगा। अच्छा अभी ये आ गया 1 सेकेंड, देन उसके बाद वो एक्स को करेंगे। एक्स को करने के लिए जो परपेंडिकुलर वाला एक्सिस फुट स्क्रू है, इसको घुमाने के बाद क्या होगा ना, एक्स का वैल्यू घटेगा। तो देखिए ये घट रहा है,
देखिए ये वैल्यू अभी हट रहा है, तो ऐसे ऐसे करके इसको पूरा वन डिजिट में लाना पड़ेगा। अच्छा अभी ये हो गया 4 सेकेंड है। अच्छा नीचे नीचे जो ये है वाई को थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। अच्छा ये अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेटली डिजिटल लेबलिंग चल रहा है, तो जब फाइनल करेंगे पूरा 00 या 12 ऐसे आ जाएगा। अभी कुछ ज़रूरी नहीं है पूरा 00 करना, तो अभी अप्रोक्सीमेटली ऐसे बस 2-3 ऐसे रख दीजिए, बस ऐसे हो गया। ऐसे धीरे धीरे इसको करना पड़ेगा। अच्छा 2 है, देन उसके बाद ओके प्रेस कर दोगे, देन उसके बाद ओके प्रेस करना है। ओके F1 ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद फिर से और क्या बचा ना, अब फाइनल सेंटरिंग देन फाइनल लेवलिंग। तो फाइनल सेंटरिंग कैसे किया जाता है ना, फाइनल सेंटरिंग के टाइम में क्या हुआ है ना, हम लोग अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग में ऐसे रखे थे पॉइंट को, ये सोचिए ये हाथ मेरा ये अंगूठा में ग्राउंड का पॉइंट और ये इसके अंदर जो देखने चाहिए ऑप्टिकल प्रोमेंट के थ्रू देखने चाहिए जो पॉइंट दिखाई देता है ये पॉइंट वही है, ऐसा था। इसको अभी हम लोग फाइनल सेंटरिंग में कैसे करेंगे, पूरा ऐसे करेंगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फुट ये जो सेंटरिंग स्क्रू है सेंटरिंग स्क्रू, ये सेंटरिंग स्क्रू को थोड़ा लूज करके यहाँ से देख के ऐसे देख के थोड़ा ऐसे स्लाइड करके मशीन को देखिए, मैं स्लाइड कर रहा हूँ मशीन को, देखिए पूरा गौर से देखिए स्लाइड कर रहा हूँ मैं हैं मशीन को ऐसे स्लाइड करते हुए, स्लाइड करके पूरा एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर रख दो, रखने के रखिए, देन उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद फिर से अभी हम लोग का कंप्लीट हुआ, फाइनल सेंटरिंग कंप्लीट हुआ, देन फाइनल लेवलिंग कंप्लीट होगा। कैसे फाइनल लेवलिंग के लिए फिर से वही page 2 जाना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन की है, फंक्शन की प्रेस करने के बाद page 2 आ जाएगा यहाँ पे, देखिए page 2 के अंदर जाके टिल्ट F2 प्रेस करने के बाद वही फिर से जो बबुल मैनुअली बबुल का डिजिटली शो करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले हम लोग घटा दिए थे, फिर से चेंज हो गया, तो इसीलिए फिर से इसको घटाना पड़ेगा। तो एक्स वैल्यू को घटाना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर में ही सेट खड़ा हूँ तो परपेंडिकुलर को मतलब परपेंडिकुलर वाला जो फुट स्क्रू है इसको घुमाना पड़ेगा। अच्छा ऐसे घुमा के इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए जो वैल्यू है इसको मैं घटा रहा हूँ, घटा के पूरा ऐसे पूरा जितना भी कम हो सके हम लोग करेंगे। तो अभी आ गया, देन उसके बाद एक्स वाई को करना पड़ेगा, वाई को अच्छा तो वाई जो है वाई को भी घटाना पड़ेगा। ये अभी 32 है, इसको थोड़ा हल्का सा घटाना पड़ेगा। अच्छा बस ये हो गया, देन ऊपर 6 है, इसको थोड़ा हल्का सा, ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंसर के जरिए काम करता है, तो इसीलिए इसको पूरा थोड़ा टाइम लगता है इसमें करने के लिए, ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा घटाना पड़ेगा वैल्यू को, ये जो वाइट और बढ़ गए वाई को थोड़ा घटाना पड़ेगा, वाई अच्छा अभी हो गए जो हो गए, देन उसके बाद ये थोड़ा माइनस है तो इसको इसीलिए हम लोग प्लस करेंगे, जा रहा है इसको घटाना पड़ेगा, 5 हो गया। फिर से ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको घटाएंगे, अभी हो गया, देन ओके अभी मेरा कंप्लीट हो गया फाइनल लेबलिंग। तो ये जो 5 प्रोसीजर था, अप्रोक्सीमेटली सेंटरिंग, अप्रोक्सीमेटली लेबलिंग, देन अप्रोक्सीमेटली डिजिटल लेबलिंग,
देन उसके बाद फाइनल सेंटरिंग देन फाइनल लेवलिंग अभी कंप्लीट हो गया। तो अभी कंप्लीट हो गया सेंटरिंग लेवलिंग पूरी तरह से, देन उसके बाद हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो सेटिंग करके मेजरमेंट करेंगे। अच्छा कंप्लीट हो गया सेंटरिंग लेवलिंग। थैंक यू, जय जगन्नाथ।